गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास वन एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर वन नंबर्स अप टू नाइन एंड एक्सरसाइज 1.6. टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 13 एंड 14. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू ओपन योर मैथ्स बुक. दिस इज योर मैथ्स बुक ऑफ क्लास वन. एक्सरसाइज 1.6 एंड पेज नंबर 13. देखिए आज हम एक्सरसाइज 1.6 में मोर एंड लेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट मोर हैं और कौन से ऑब्जेक्ट लेस हैं. बच्चों, मोर का मीनिंग होता है ज़्यादा यानी अधिक और लेस का मीनिंग होता है कम. तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं बच्चों. जैसे देखिए फर्स्ट में ये बॉक्स है आपका. इस बॉक्स में देखिए स्टार्स बने हुए हैं. कुछ स्टार्स यहाँ बने हुए हैं और कुछ स्टार्स यहाँ बने हुए हैं. तो हम देखेंगे कि कौन से स्टार्स ज़्यादा हैं यानी कि मोर हैं और कौन से स्टार कम हैं, मीनिंग मीन्स लेस हैं. तो देखिए यहाँ पे हम काउंट करते हैं कितने स्टार्स हैं. ये 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ स्टार्स कितने हैं. 1, 2, 3 एंड 4. तो देखिए यहाँ पर 5 स्टार्स हैं और यहाँ 4 स्टार्स हैं. तो ये स्टार हमारे क्या हैं, मोर हैं यानी ज़्यादा हैं. तो ये मोर हैं तो हम यहाँ पर एम लिखेंगे. मोर के लिए बच्चों एम लिखना है. और ये लेस हैं यानी कि कम, तो उसके लिए हमें एल लिखना है. एल मीन्स लेस, क्योंकि लेस की स्पेलिंग देखो एल से शुरू होती है, इसलिए लेस के लिए हम एल लिखेंगे. तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया. इसी तरह से बाकी के जो देखो बॉक्सेस में ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, इन सभी पिक्चर्स को काउंट करके ये जो बॉक्स बने हुए हैं इन बॉक्स में हमें मोर हैं तो एम लिखना है और लेस है तो एल लिखना है. देखिए मोर के लिए एम और लेस के लिए एल. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, हम इन पिक्चर्स को काउंट करते हैं. देखिए ये आपकी चॉकलेट्स हैं, तो ये कितनी चॉकलेट्स हैं काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये कितनी चॉकलेट्स हैं, 9. तो हम यहाँ पर 9 लिख लो छोटा सा. अब इसे हम काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये 8 हैं तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे. अब देखेंगे ये 9 हैं और ये 8 हैं. तो 9 क्या है 8 से ज़्यादा है यानी कि ये क्या है, मोर चॉकलेट. तो हम यहाँ पर M लिखेंगे. और ये 8 9 से कम है तो ये क्या हो गई, लेस. तो यहाँ हम लेस के लिए L लिखेंगे. तो इस तरह से मोर के लिए M और लेस के लिए L. फिर से समझ लीजिए, मोर का मीनिंग होता है बच्चों ज़्यादा यानी अधिक और लेस का मीनिंग होता है कम. फिर से देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में देखो ये क्या है, मोबाइल बना हुआ है. अब देखिए यहाँ पर कितने मोबाइल्स हैं. मान लीजिए आपको आपके पास बहुत सारे मोबाइल्स इकट्ठे हो गए हैं, तो आप काउंट करेंगे कि आपके पास कितने मोबाइल हैं. देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओ आपके पास तो 6 मोबाइल हैं, तो आप यहाँ पर 6 लिख लो. अब यहाँ पे ये आपका छोटा भाई है, आपका स्मॉल ब्रदर. अब उसके पास कितने मोबाइल हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो आपके स्मॉल ब्रदर के पास 4 मोबाइल हैं. तो बच्चों किसके पास मोबाइल ज़्यादा हैं, आपके पास यानी 6. तो जो 6 हैं वो 4 से ज़्यादा है.
यानी कि ये मोबाइल क्या हो गए, मोर। तो हम यहाँ पर एम लिखेंगे, एम। इसी तरह से अब ये मोबाइल क्या है, सिक्स से कम है। आपका जो स्मॉल ब्रदर है, छोटा भाई, उसके पास कम है, तो ये फोर मोबाइल इस सिक्स से कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस, यानी एल। लेस के लिए हम एल लिखेंगे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पिक्चर है। ओ हो, ये क्या बना हुआ है, ये तो मैंगोज़ हैं। ओ चलो मैं ये वाले मैंगोज़ लूँगा। ऐसे आप कहते हो ना कि जो आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, कि ये मैंगोज़ मैं लूँगा और ये मैंगोज़ अपने छोटे भाई को दूंगा। तो आप, आपको पता है नहीं कितने हैं, बस आपको ये लग रहा है कि ये मैंगोज़ ज़्यादा हैं। चलिए अब हम काउंट करते हैं, आपने ये वाले मैंगोज़ लिए हैं तो काउंट करते हैं कि आपके पास कितने मैंगोज़ आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो कितने मैंगोज़ आ गए आपके पास, 8। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे छोटा सा, याद रखने के लिए। अब ये वाले मैंगोज़ आपने अपने छोटे भाई को दे दिए, अब उनके काउंट करते हैं कि उन्हें कितने मैंगोज़ मिले हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इन्हें मिले हैं 5 मैंगोज़। तो अब देखो बच्चों, किसके पास मैंगो ज़्यादा हैं, इनके पास या इनके पास। भैया आपने लिए हैं तो आपके पास कितने हैं, 8, और छोटे भाई के पास 5। 8, 5 से क्या है बच्चों, मोर। देखो ये मोर मैंगोज़ हैं, यानी ज़्यादा मैंगोज़ हैं। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे मोर के लिए एम, क्योंकि मोर की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, तो एम। और ये लेस हैं, यानी 8 से कम हैं, तो लेस के लिए, लेस की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, एल। हम यहाँ पर एल लिखेंगे। इसी तरह से देखिए ये क्या है, बैलून्स। पहले हम ये बैलून्स काउंट करते हैं कितने हैं, और ये बैलून्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये हैं 6 बैलून्स। और ये कितने बैलून्स हैं बच्चों, 1, 2, 3। अब देखकर बताओ कौन से बैलून्स मोर हैं। ओ 6, 3 से मोर हैं, तो ये बैलून्स मोर हैं। तो हम यहाँ पर एम लिखेंगे, एंड वी राइट हियर दीज बैलून्स आर लेस, सो राइट हियर एल। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ओ ये क्या है, किसकी पिक्चर से है, बाइक, मोटरसाइकिल। तो चलिए हम काउंट करते हैं कि ये बाइक्स मोर हैं या ये वाली बाइक्स मोर हैं। चलिए ये बाइक हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। ओ ये तो 4 बाइक्स हैं। अब ये कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 बाइक्स हैं। तो कौन सी बाइक्स मोर हैं बच्चों, 6। 6 4 से ज़्यादा हैं, तो दीज बाइक्स आर मोर, सो वी राइट हियर एम। एंड दीज बाइक्स आर लेस, सो वी राइट हियर एल। अब देखिए बच्चों, अब ये हमने क्या सीखा, मोर और लेस, कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स मोर हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स लेस हैं। तब आप आराम से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मोर मीन्स ज़्यादा एंड लेस मीन्स कम। अब हम करेंगे इक्वल के बारे में स्टडी करेंगे। इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल बराबर, इक्वल, ना कम ना ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए मम्मी मार्केट से आपके लिए टॉफ़ी लेकर आई, तो आपको भी 4 टॉफ़ीज दे दी और आपके छोटे भाई को भी 4 टॉफ़ीज दे दी, तो दोनों को मम्मी ने 4-4 टॉफ़ीज दी हैं, यानी इक्वल इक्वल दी हैं, बराबर बराबर, ना किसी के पास कम है ना किसी के पास ज़्यादा है। तो जब सेम चीज़ होती है तो उसे हम कहते हैं इक्वल। ओके,
तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये पिक्चर्स बनी हुई हैं थ्री बॉक्सेस में। अब हमें इनमें इनको काउंट करके यहाँ पे देखिए नंबर लिखे हुए हैं। अब जिनके नंबर सेम हैं उनमें हमें टिक लगाना है। देखिए ये पेंस हैं, ये पेन है 6, ये पेंसिल ये 3 हैं, और ये इरेजर्स हैं ये 6 हैं। तो देखो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 6, 3 एंड 6। अब इन 3 नंबर्स में सेम नंबर कौन कौन से हैं बच्चों? देखो ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये दोनों 6 हैं, ये दोनों सेम नंबर हैं। तो हम यहाँ पर इसमें भी टिक लगा देंगे और इसमें भी हम टिक लगा देंगे, और ये अलग है डिफरेंट है तो हम इसे छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें देखिए नेक्स्ट पेज 14, पेज नंबर 14 पर कुछ इसी तरह से पिक्चर्स दी हुई हैं। हमें इन पिक्चर्स को सेम इसी तरह से करना है। देखिए पहले हम इनको काउंट करेंगे, हाउ मेनी एप्पल्स आर हियर, 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट बॉक्स में हम यहाँ 5 लिखेंगे, 5 एप्पल्स। अब ये हैं बनाना, बनाना काउंट करो बच्चों कितने हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। इसी तरह से ये आपका क्या है, गुआवा। अब इसे हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे 5 हैं। देखो हमने नंबर तो लिख लिए, अब बच्चों हमें क्या करना है, सेम नंबर ढूंढना है कि कौन से 2 नंबर्स सेम हैं। देखो ये 5 है, ये 6, ये तो नहीं है सेम। ओ ये सेम है, 5, 5, ये दोनों सेम हैं। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे और इस बॉक्स में टिक लगा देंगे, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। सेम हैं तो ये दोनों क्या हो गए, एप्पल्स एंड गुआवा इक्वल हो गए। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट बॉक्स में, ओ ये हैं आइसक्रीम। चलो जल्दी से काउंट करते हैं कितनी आइसक्रीम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस बॉक्स में हम 8 लिखेंगे। ओ अब ये क्या हैं इस पिक्चर्स को, चलो हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, और ये कितनी पिक्चर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस बॉक्स में हम 6 लिखेंगे। अब क्या करना है जल्दी से सोच कर बताओ। यस, अब हमें सेम नंबर ढूंढना है जो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ 8 है, और 8 देखो कहाँ है, ओ ये है। तो ये दोनों नंबर क्या है बच्चों, देखो एक जैसे हैं, सेम। तो इन दोनों बॉक्स में हम यहाँ राइट लगाएंगे और यहाँ भी राइट लगा देंगे। ये 6 बिल्कुल डिफरेंट है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। इसी तरह से देखिए लास्ट पिक्चर है आपकी, ये क्या है हमारी बुक्स हैं। चलिए हम बुक्स को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो वी राइट हियर 9। अब ये कितनी क्लॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो वी राइट हियर 6। ओ ये क्या है, कार्स। काउंट हाउ मेनी कार्स हियर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कितनी कार हैं, 6, राइट हियर 6। नाउ सी सेम नंबर, विच नंबर्स आर सेम, दिस इज 9, 6, सो डिफरेंट। ओ दिस इज 6, ओ यस, दीज टू नंबर्स आर सेम, सो वी टेक इन दिस बॉक्स एंड इन दिस बॉक्स, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर सेम, सो बोथ आर इक्वल। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।